रहे हैं पुलिस की आवाज न्यूज क्राइम का खुलासा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पुलिस की आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शालिनी पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। शिवपुरी जिले के बैरार तहसील में जमीन सीमांकन के लिए महीनों से चक्कर लगा रहे किसान की तहसील में नहीं की जा रही सुनवाई। किसान द्वारा लगाई गई सीएम हेल्पलाइन को बंद कराने के लिए तहसीलदार द्वारा बनाया जा रहा है दबाव। मामला शिवपुरी जिले की बैरार तहसील अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत खैरारो बनवारीपुरा का है, जहां मानिकपुर निवासी मलखान पुत्र लालकृष्ण यादव 3/6/2020 को अपनी भूमि का सीमांकन कराने के लिए तहसील बैरार में आवेदन लिया था, जिसका आदेश भी तहसीलदार द्वारा कर दिया गया था, मगर आज तक पीड़ित किसान की भूमि का सीमांकन नहीं किया गया है। वहीं पीड़ित किसान का आरोप है कि तहसीलदार द्वारा दबंगों से पैसे से लेकर आज तक किसान की भूमि का सीमांकन नहीं किया गया है। जब किसान द्वारा इसकी शिकायत सीएम हेल्पलाइन पर की गई तो तहसीलदार ने उक्त किसान को बुलाकर सीएम हेल्पलाइन को बंद कराने के लिए दबाव बनाया। जब किसान ने सीएम हेल्पलाइन को बंद कराने से मना किया तो तहसीलदार ने खुले लफ्जों में यह कह दिया कि तुम पर जो हो जाए वह कर लेना, तुम्हारा आदेश ही निरस्त कर देता हूं। वहीं पीड़ित किसान ने मीडिया के माध्यम से समस्या का समाधान करने की मांग की है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मलबान है। कौन सा गांव है आपका? मानिकपुर। क्या समस्या है आपकी? मेरी समस्या ये है कि मैं सीमांकन के चक्कर में कागज लगाए तो एक साल से तहसीलदार मुझे गुमराह में कर रहे हैं। मेरा अभी तक कोई सीमांकन नहीं हुआ और मैंने एसपी साहब के जहाँ भी कागज लगा रखे, कलेक्टर साहब के गए, जन सुनवाई में भी कागज लगा दे, तो मेरी कहीं से कहीं तक कोई भी सुनवाई आज तक नहीं हुई। और तो वे अधिकारी मुझसे ये कहते हैं कि अभी तो ऊपर मैंने हेल्पलाइन पे भी शिकायत करी तो वहाँ भी जिनने उनने जवाब झूठा है ये दे दिया है कि गर्मियों में वेदर फसल खड़ी थी इसलिए सीमांकन नहीं हुआ। तो गर्मियों में कौन सी फसल खड़ी थी? बरसात के दिनों में तो फसल खड़ी और गर्मियों में कौन सी फसल खड़ी थी? इन लोगों ने ऐसे वहाँ पर भी झूठी वो बताई है, शिकायत करी। इसके बाद में मैंने सब जगह मतलब कागज लगा रखे है और अब तक कोई सुनवाई नहीं है। मैंने अब शिकायत करी तो जो कह रहे थे तहसीलदार साहब आज मुझसे कि तू अपनी शिकायत वापस ले ले अभी और तेरा सीमांकन हो जाएगा, और नहीं तो तू शिकायत वापस नहीं लेगा तो तेरी आदेश निरस्त कर रखूंगा और तू शिकायत से अपनी वापस शिकायत से ही तू अब सीमांकन करा लेना। जो मुझसे आप आज बोला है तहसीलदार साहब ने, बोलो मैं क्या कर सकता हूँ। मुझसे 5,000 रुपया सीमांकन के बारे में मांग की है श्रीमान जी, पहले भी दे चुका हूँ मैं 5,000 और अब आप मुझसे दोबारा से मांगे तो मैं कहाँ से दूँ? गरीब आदमी मजदूरी कर रहा हूँ। मेरे पिताजी गुजर चुके हैं, मेरे दो भाई हैं तो बाहर मजदूरी करने गए हैं, मैं अकेला हूँ, जहाँ भी मजदूरी कर रहा हूँ और जी मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही सर।